हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एक और iOS इंस्पायर्ड MIUI थीम, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ ऐसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चेक करोगे आपको आइकन पैक ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऊपर आपको कुछ ऐसा क्लॉक का विजेट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको साथ में डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिलता है जब भी आप म्यूजिक को प्ले करोगे। देखोगे कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन सेंटर में भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। और भी चेंजेस आपको थीम में देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आगे चल के डिटेल में बात करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहां से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको होम स्क्रीन कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको कुछ ऐसा आइकन पैक देखने को मिलता है। ऊपर आपको कुछ ऐसा यहाँ पे जो टाइम का विजेट देखने को मिल जाता है, जो कि आप चेक कर सकते हो। इसके साथ आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाएगा जब भी आप म्यूजिक को प्ले करोगे। सो सबसे पहले यहाँ पे म्यूजिक को मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए म्यूजिक वाली एप्लीकेशन में आना है। तो आप देखोगे उससे पहले मैं यहाँ पे जो वॉल्यूम को डाउन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम बार भी कस्टमाइज हो जाता है, जो कि आप देखोगे आपको इसका आइकन जो है यहाँ पे कस्टमाइज देखने को मिल जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो इस पे फुल बार पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला आइकन कस्टमाइज हो जाता है, जो कि आप चेक कर सकते हो। और आपको इसका जो साइज है वो भी यहाँ पे थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है। और आप देखोगे यहाँ से जैसे मैं म्यूजिक को यहाँ पे प्ले करूंगा तो यहाँ पे आपको वो डायनेमिक आइलैंड में शो हो जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा शो हो जाता है। और ये डायनेमिक आइलैंड परफेक्टली वर्किंग है, जैसे भी आप क्लिक करके ओपन करोगे इजीली ओपन हो जाएगा। इजीली वन क्लिक में आप पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो म्यूजिक को, प्रीवियस या नेक्स्ट भी इजीली यहाँ से कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ से इस वाले आइकन पे क्लिक करके आप जो है एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और आप चेक करोगे यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे इसके कंट्रोल सेंटर में एक ग्लिच चल रहा है, जो कि आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम बार का स्लाइडर देखने को मिलता है और यहाँ पे जो ब्राइटनेस का स्लाइडर देखने को मिलता है, वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं, वो आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट यहाँ पे आपको वर्किंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मैं ब्राइटनेस को यहाँ से कम कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस इजिली यहाँ से कम हो रही है, बट आपको ये देखने को नहीं मिलते हैं, यानी हाइड हो चुके हैं। रीबूट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, यानी ये थीम में ग्लिच ही है। जैसे ही अपडेट आएगा थीम का होपफुली ये सोल्व हो जाएगा, बट अभी आपको ये ग्लिच देखने को मिल जाता है। बाकी ओवरऑल थीम यहाँ पे वर्किंग करती हुई आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर सेटिंग्स का UI चेक करोगे तो वो भी आपको अमेजिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अबाउट फोन के सेक्शन में आओगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे इंटरफेस वर्जन लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये थीम जो है डार्क मोड और लाइट मोड दोनों में परफेक्टली वर्किंग है। जैसे यहाँ से डार्क मोड में अप्लाई कर लेते हैं तो आप चेक करोगे यहाँ पे डार्क मोड में भी परफेक्टली वर्किंग करती हुई देखने को मिल जाएगी। बस डार्क मोड में आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि आप देखोगे यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, चाइनीज़ लैंग्वेज में। बट अगर आप लाइट मोड में अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा, जो कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और साथ में आपको यहाँ पे बैक नेविगेशन जेस्चर भी चेंज देखने को मिलता है, जो कि आपको कुछ ऐसा ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इसकी जो लॉक स्क्रीन है वो यहाँ पे कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। आप चेक कर सकते हो, ये जो थीम है पहले भी थीम स्टोर पे थी, पर रिमूव हो गई थी थीम। आपको याद होगा UI 14 नाम से थीम हुआ करती थी पहले थीम स्टोर पे। MD कबीर सिंह जो इसके क्रिएटर थे, उनका अकाउंट यहाँ पे बैन हो गया था और ये थीम रिमूव हो गई थी। सो अब ये थीम स्टोर पे दोबारा आ चुकी है और क्रिएटर सेम ही है, बट उन्होंने अपना नाम यहाँ पे चेंज कर लिया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आप चेक करोगे आपको ये लॉक स्क्रीन कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी। और आप यहाँ पे देखोगे डबल टैप करोगे इस पे तो आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। नीचे आपको वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप चेक करोगे। यहाँ पे आप इजीली क्लिक करके कोई भी वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे डेप्थ का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करके आप डेप्थ इफेक्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। जैसे ऑन करोगे देखोगे यहाँ से डेप्थ इफेक्ट ऑन हो चुका है, और जैसे ही आप यहाँ से इसे ऑफ कर दोगे डेप्थ इफेक्ट ऑफ हो जाएगा। और आप देखोगे आपको यहाँ पे ये जो है कुछ वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, 6 वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो भी वॉलपेपर आप लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पे जो है उसके बाद अप्लाई वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे जो iOS वाले वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, इन्हें अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको पसंद है वो यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा, आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। और ऊपर आपको ये जो स्लाइडर्स देखने को मिलते हैं, इससे आप अपने टाइम के कलर को, यहाँ पे जो आपका विजेट का कलर है, इन सभी के कलर को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि आप चेक करोगे यहाँ से ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद देखोगे जब वॉलपेपर वाले सेक्शन में आओगे तो आपको नीचे कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो लीव वाला इफेक्ट आ जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे बबल इफेक्ट आ जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो रेनिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो जो भी इफेक्ट रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज इन तीनों को ऑफ ही कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये आपको परफेक्टली वर्किंग करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आपको इसे कैसे सेट करना है।
बट आपको यहाँ पे जो फोल्डर वॉलपेपर देखने को मिलता है ये मेरे डिवाइस में तो यहाँ पे वर्किंग नहीं है, आप खुद चेक कर लीजिएगा आपके डिवाइस में वर्किंग है कि नहीं। फोल्डर वॉलपेपर कैसे सेट करना है उसके लिए आपको यहाँ पे साइड पे वीडियो का एक थंबनेल शो हो रहा है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको एंड में बताया हुआ है, इस वीडियो के एंड में चले जाइएगा, आपको चेक करना है तो पूरी मत देखिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, पूरी देखनी है तो पूरी भी देख सकते हो। आपको मैंने एंड में बताया हुआ है इस वीडियो के कि आपको फोल्डर वॉलपेपर कैसे सेट करना है, बस आपको वही ट्रिक फॉलो करनी है और आपको जो है फोल्डर का नेम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जो मैंने इस वीडियो में आपको फोल्डर का नेम बताया उसकी जगह आपको यहाँ पे जो फोल्डर का नेम रखना होगा वो MIUI रखना होगा, MIUI रखना होगा कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में MIUI रखिएगा। बट आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका फोल्डर वो पहले से ही है क्योंकि आपके डिवाइस में MIUI का एक फोल्डर पहले ही होगा, तो जो पहले वाला फोल्डर होगा उसको आपको रीनेम करके उसके ब्रैकेट में 1 लिख देना है और जो ये न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे फिर आपका वो MIUI के नाम से क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद आपको वो ट्रिक फॉलो करनी है जो मैंने उस वीडियो में बताई हुई है जिसका थंबनेल आपको साइड पे शो हो रहा है, उस ट्रिक को फॉलो कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा अगर आपके डिवाइस में फोल्डर वॉलपेपर वर्किंग करते हैं तो, ठीक है। सो आपको इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप देखोगे दोबारा यहाँ पे डबल टैप करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। आप यहाँ से जो इसके विजेट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो जो कि आप चेक कर सकते हो, क्लॉक के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, यहाँ से आपको ये वाले विजेट भी देखने को मिल जाते हैं, इनके स्टाइल्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे जो फ्लैश लाइट और कैमरा का टॉगल देखने को मिलेगा, आपको डबल टैप करना है। यहाँ पे आप देखोगे फ्लैश ऑन हो जाएगी, दोबारा डबल टैप करोगे ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करने पर कैमरा ओपन हो जाएगा, बैक करोगे तो कैमरा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इस थीम को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है थीम स्टोर पे। थीम स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में एक थीम को सर्च करना है, इसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा UI 14, बस आपको यहाँ पे साथ में प्रो लिख देना है। प्रो लिख के जैसे ही सर्च करोगे आपको फर्स्ट नंबर पे ये थीम देखने को मिल जाएगी जो कि आप चेक कर सकते हो, 64.3 MB की थीम है बाय द क्रिएटर शुगर डैडी जो कि आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये क्रिएटर है। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने अकाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद आपको लॉक स्टाइल में आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कस्टमाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे आपको ये सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो इमेज ऑन का ऑप्शन देखने को मिलता है इसमें आपको यहाँ पे PNG फॉर्मेट डालना होगा इमेज का, यानी जिसका बैकग्राउंड आपका रिमूव होना चाहिए वो वाली इमेज, और उसी इमेज का आपको यहाँ पे JPG फॉर्मेट नीचे वाले ऑप्शन में डालना होगा, क्लिक करके गैलरी में जाके उसी इमेज का JPG फॉर्मेट डालना होगा, यानी जो फुल इमेज होगी बिना बैकग्राउंड रिमूव के। सो डालोगे जैसे ही आपका डेप्थ इफेक्ट वर्किंग करने लगेगा, बस लॉक स्क्रीन पे जाके आपको इंसर्ट वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी और आपको यहाँ पे विजुअल इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आप देखोगे आपको यहाँ पे दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो भी रखना चाहते हो रख लीजिएगा। उसके बाद देखोगे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे स्मार्ट आइलैंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे आपको यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद देखोगे लॉन्ग डिस्प्ले, यहाँ फिर आप यहाँ से शॉर्ट डिस्प्ले जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्प्ले रख लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देना है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपका यहाँ पे देख सकते हो बीच में कैमरा होगा 0 रखना है, लेफ्ट हैंड साइड कैमरा होगा -300, राइट हैंड साइड कैमरा होगा तो आपको सिर्फ 300 रखना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंक टाइम कलर को क्लिक कर देना है, यहाँ से ऑन कर देना है यानी। उसके बाद देखोगे टेक्स्ट कैलेंडर जो 1 देखने को मिलता है, इसमें आपको यहाँ पे एडिट करके जो अपना नेम रखना चाहते हो तो रख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नेम रख लेता हूँ तो ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नीचे देखोगे आपको यहाँ पे कैलेंडर टेक्स्ट 2 भी देखने को मिलता है, इसे मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो अपने डिवाइस के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, यानी अपने डिवाइस का नेम रखना चाहते हो तो रख लीजिएगा। उसके बाद नीचे देखोगे विजेट टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, यहाँ से विजेट आप अपने कोई ऐड करना चाहते हो तो क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा जो भी विजेट ऐड करना चाहते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आप चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे जो कैलेंडर डिस्प्ले स्टाइल को चेंज कर सकते हो, जो भी कैलेंडर का स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज आप ये जो सारी सेटिंग्स है वो डायरेक्टली लॉक स्टाइल से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्विच फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें आपको यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे फोकस मोड कस्टम टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, इसमें आप यहाँ पे अपना नेम ऐड कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, जैसे यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड कर लेता हूँ। सो ऐड करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे जो है टर्न ऑन ऑफ AOD मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे आपको ऑन कर देना है, डबल टैप करके आप AOD मोड को ऑन कर पाओगे। AOD डिस्प्ले स्टाइल आप देख सकते हो इसमें आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं जो कि आप चेक कर पाओगे। सो ये आपको मैं लॉक स्टाइल पे जाके चेक करवाता हूँ। उसके बाद नीचे देखोगे आपको और भी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये फ्लैश लाइट कैमरा और वाइट बार की सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल की सेटिंग देखने को मिल जाएंगी जो कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो डिफॉल्ट चार्जिंग इफेक्ट को ऑन कर सकते हो। उसके बाद देखोगे स्क्रीन ऑलवेज ऑन को भी ऑन कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद नीचे आपको ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, आप यहाँ से जो डेस्कटॉप की सेटिंग को यहाँ पे कर सकते हो। आप देखोगे आपको यहाँ पे जो डॉक बार देखने को मिल जाता है,
ब्लर बैकग्राउंड कर सकते हो। उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे डेस्कटॉप स्मार्ट आइलैंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट आप इसे यहाँ से ऑफ रखिएगा क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिमाइंडर करके कुछ लिखा हुआ है, द डेस्कटॉप स्मार्ट आइलैंड इज जस्ट अ कैप्सूल स्टाइल नो फंक्शन। मतलब ये सिर्फ एक कैप्सूल स्टाइल है, इसमें कोई भी फंक्शन नहीं होगा, तो आप इसे यहाँ से ऑफ रखिएगा। बस यही कुछ यहाँ पे सेटिंग्स हैं। उसके बाद आप देखोगे आप यहाँ पे आ जाओगे लॉक स्टाइल पे, तो आपको यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स आपकी जो है देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाएगा, और आप यहाँ पे जब बीच में डबल टैप करोगे तो आपको AOD मोड देखने को मिलेगा, और नीचे जो आपको एक टॉगल देखने को मिलता है इस पर डबल टैप करके इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो काफी सारे स्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो भी स्टाइल आप यहाँ से रखना चाहते हो रख सकते हो। आप देख सकते हो काफी स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये वाला एक न्यू स्टाइल आपको देखने को मिलता है जो कि आप चेक कर सकते हो, आपको न्यू AOD स्टाइल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। सो काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलती है जो कि आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो काफी अमेजिंग आपको थीम देखने को मिल जाती है। जो भी स्टाइल पसंद है रख लीजिएगा, डबल टैप करोगे दोबारा लॉक स्क्रीन पे आ जाओगे, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जब भी आप यहाँ पे कोई म्यूजिक प्ले करते हो तो आपको लॉक स्क्रीन पे भी शो हो जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो आपको नीचे शो हो जाएगा, और आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो फुल पेज ओपन होता है, दोबारा इस इमेज पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये पेज क्लोज हो जाएगा। ऊपर आपको डायनेमिक आइलैंड में भी ये शो हो जाता है जो कि आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा शो हो जाएगा, परफेक्टली वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा। पॉज प्ले इजिली कर सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट इजिली यहाँ से कर सकते हो, जो कि आप चेक कर सकते हो बहुत स्मूथली वर्किंग करती है थीम। और इस आइकन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली एप्लीकेशन को भी यहाँ से ओपन कर सकते हो, सो काफी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देखोगे आपको यहाँ पे ये कुछ ऐसी एनिमेशन भी देखने को मिलेगी जैसे लॉक स्क्रीन को ओपन करते हो, जो कि काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है। और जो भी हमने अभी नेम वाले विजेट्स ऐड किए थे उन्हें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको जो भी विजेट्स में नेम ऐड करवाया था उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे 6 नंबर वाला विजेट में मैंने नेम ऐड करवाया था, तो आप 6 नंबर वाला यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपका नेम आ जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। सो जो भी आप रखना चाहते हो यहाँ पे सेटिंग्स रख सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे जब भी आप अपने डिवाइस को यहाँ से चार्जर से कनेक्ट करोगे तो आपको ऊपर कुछ ऐसी चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको ऐसी कुछ डायनेमिक आइलैंड में चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगी, और यहाँ पे लिखी हुई देखने को मिल जाती है, जो कि आप चेक करोगे ऐसी कुछ आपको एनिमेशन आएगी जो कि काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलती है। और डायनेमिक आइलैंड में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि अभी आपने चेक की होगी ऐसी नोटिफिकेशन आती है। और साथ में आप चेक कर सकते हो इस थीम में आपको जो रिसेंट स्टाइल में ये क्रॉस का आइकन देखने को मिलता है वो भी आपको कस्टमाइज देखने को मिलता है, आपको कुछ ऐसा बॉक्स में देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अमेजिंग, और क्लियर करोगे ऐसी कुछ एनिमेशन के साथ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो आपको ये कुछ थीम देखने को मिलती है। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको नाम बता दिया, आप सर्च कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा। सो ये आज की कुछ वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।